बात याद रखना तुम, तुम्हें दुनिया वालों ने भूत पकड़ाया है, हम तुम्हें भगवान पकड़ाएंगे। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री राम। बागेश्वर धाम के दरबार में गुरुदेव जी भड़क उठे। आप लोग बागेश्वर धाम को जानते ही होंगे, जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है और लोग इन्हें भगवान मानते हैं। गुरुदेव जी से मिलने के लिए देश विदेश नेता अक्सर सभी लोग मिलने के लिए आते हैं। गुरुदेव जी को ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि अपने भक्तों को बिना कुछ पूछे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं और इनसे भूत प्रेत सभी डरते हैं। और आप लोग उर्फी जावेद को भी जानते होंगे, और वो अपने आप को फैशन डिजाइन क्वीन मानती है, जो कि ऐसी की तैसी करके ड्रेस आती है, कपड़े को फाड़ कर पहन लेती है, तो कभी कचरे के वह बताती है कि अपने आप को फैशन है। उसने पहुंचा था बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में। दिव्य दरबार जो है एक पवित्र स्थल है जहां लाखों लोग जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। तो वहां पहुंची थी उर्फी जावेद अपने फैशन डिजाइन कपड़ों में। जब गुरुदेव जी को नजर उस पर जैसे ही पड़ा, तब गुरु जी ने अपने स्थान से उठकर उसे बागेश्वर धाम से भगा दिए। और गुरुदेव जी बोले, यहां पर कोई भी फैशन नहीं चलेगा, अगर तुमको आना है तो सिंपल कपड़े पहन कर आ सकते हो, वरना अभी के अभी यहां से निकल जाओ। क्या गुरुदेव जी ने उसे वहां से भगाकर सही किया या गलत, आप लोग कमेंट में मुझे बताएं। जय श्री राम, जय बालेश्वर धाम।